हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ में हम बनने से नहीं डरते हैं, ये इसका इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है, एकदम टाइटेनिक मूवी जैसी स्टोरी है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा यार, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हो। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई रेड बटन दबाओ, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी सा फैल गया था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, में ये महसूस कर सकता था कि हमारी जहाज के निचले वाले हिस्से में पानी भर गया है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं स्टीयरिंग, जो वो पहिया था जिससे शिप चल रहा था, उस स्टीयरिंग को छोड़कर, उसको अबैंडन करके मैं नीचे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकूं, जांच कर सकूं, इसकी मेरी हिम्मत नहीं हुई। सडनली द फ्रंट हैच, अचानक जो सामने वाला हैच था, जो सामने वाला दरवाजा था, अब हैच का मतलब दरवाजा होता है, मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो सामने वाला हिस्सा है ना, यहां पर एक होल टाइप का बना होता है, और होल में लगा होता है ढक्कन, कवर लगा होता है, ठीक है। और जैसे ही वो कवर निकलता है तो नीचे वाले लोग ऊपर आते हैं, तो उसी को हैच कहा गया है। तो ऑथर कहता है कि सडनली अचानक द फ्रंट हैच, जो सामने वाला दरवाजा था, वॉज थ्रोन ओपन, वो अचानक झटके से खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मेरी पत्नी मैरी वहां पर आ गई। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो हमारे शिप का अगल बगल का हिस्सा है वो टूट गया है, स्मैश्ड हो गया है। वी आर फुल ऑफ वॉटर, हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एस आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं उससे चिल्ला कर कहा कि ये लो तुम स्टीयरिंग संभालो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया एस आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैं इस दरवाजे की तरफ दौड़ा, ताकि मैं नीचे जाके चेक कर सकूं कि कितना पानी भरा है हमारी शिप पर, ठीक है। लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब जो उसके दो हेल्पर्स थे ऑथर के, वर पंपिंग लाइक मैड मैन, वो पागलों की तरफ पानी को बाहर निकालने में लगे हुए थे, पंप करने में लगे हुए थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टूटी हुई ये जो शिप में जो लकड़ियां लगी थी, ठीक है, वो टूट के ऐसे ऐसे जगह पर लटकी थी नीचे जाकर, कि एकदम क्रेजी एंगल्स, अजीबो गरीब एंगल से वो लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड, अब स्टारबोर्ड साइड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं यार, जहाज में दो साइड होती है, ये जहाजी वर्ड है। एक होता है पोर्ट साइड, पोर्ट का मतलब होता है लेफ्ट, और एक होता है स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड का मतलब क्या होता है, राइट साइड। तो यहां पर स्टारबोर्ड का मतलब क्या है, राइट साइड। तो यहां पर कहा गया है कि पूरा जो राइट साइड का हिस्सा था जहाज का, बल्ज्ड इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ धस गया था। क्लोथ्स, कपड़े, बर्तन, चार्ट, टिन और खिलौने तैर रहे थे इधर उधर गहरे पानी में। आगे देखिए क्या होता है, आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैर कर आधा रेंग कर इन टू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के रूम में गया। आर यू ऑल राइट, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम सब सही हो। यस दे एंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, अपर ऊपर वाले बंक, मतलब ऊपर वाले जो सोने का रूम था, वहां से उनका क्या आया, रिप्लाई आया कि हाँ हम सब ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू, लेकिन ऑथर की जो बेटी थी सुजैन, उसने कहा मेरा जो सर है थोड़ी सी उस पर चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बंप ओवर हर आइस, उसका जो सर था ना, सर के आंखों के ऊपर एक गुर्मी टाइप के, जिसे हम बोलते ना, सूज गया था चोट लगने की वजह से। I had no time to worry, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था कि मैं उसके सूजे हुए सर, अबाउट बम्ब्ड हेड्स, उसके सूजे हुए सर के बारे में थोड़ा भी चिंता कर पाता, ध्यान दे पाता, इसका मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था।
आफ्टर फाइंडिंग हैमर स्क्रूज एंड कैनवस, मैंने नीचे से हथौड़ी लिया, पेचे ली और एक मोटा कपड़ा लिया। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक और मैं वापस चला आया सिप के डेक पर, ऊपर वाले हिस्से पर, विथ द स्टारबोर्ड साइड बैस्ड ओपन। जो राइट साइड था सिप का वो एकदम बैस्ड हो गया था, मतलब उसमें बहुत जोर की चोट लगी थी लहरों की, जिससे वो खुलने ही वाला था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, हम हमारे सिप में हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो भी लहर हमारे जहाज की तरफ आती थी, जो बड़ी लहर आती थी, हर लहर के साथ हमारे जहाज के अंदर कुछ ना कुछ पानी आ रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं जहाज में कुछ मरम्मत नहीं कर पाया, वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित ही डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रे कैनवस, और किसी तरीके से मैंने उस मोटे से कपड़े, उस कैनवस को फैला लिया एंड सिक्योर कर लिया, जड़ दिया। वाटरप्रूफ हैच कवर्स, जो वाटरप्रूफ, जो जल रोधक जो दरवाजे के कवर्स थे ना, उसको मैंने जड़ दिया। कहां पर? अक्रॉस द गैपिंग होल्स, ये गैपिंग होल्स दिख रहे हैं ना, यहां पर मैंने वो वाटरप्रूफ हैच कवर्स जड़ दिए। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी अंदर आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड, लेकिन ज्यादातर पानी अब चला जा रहा था, वापस लौट जा रहा था ओवर द साइड, मतलब यहां पर आता था और वापस चला जाता था ज्यादातर पानी, लेकिन कुछ पानी का हिस्सा अब भी अंदर आ रहा था। आगे देखते हैं क्या होता है। मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड, ज्यादा दिक्कत तब हो गई जो हमारे हैंड पंप्स थे, जो पानी को बाहर निकाले वाले पंप थे ना, वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो गए, जाम होना स्टार्ट हो गए। क्यों जाम होना स्टार्ट हो गए? क्योंकि जो कूड़ा कचरा था जो समुद्र में, और जो जहाज का कूड़ा कचरा था फ्लोटिंग, जो इधर उधर बह रहा था, वो पाइप में जाके ब्लॉक कर दे रहा था। अराउंड द केबिन, जो केबिन के अगल बगल कूड़ा कचरा बह रहा था, वो पाइप में जाके उसे ब्लॉक कर दे रहा था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप था वो तो पहले ही शॉर्ट सर्किट कर चुका था। द वॉटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का स्तर बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। बैक ऑन डेक में वापस सिप के ऊपर वाले हिस्से में आया, डेक पर आया। आई फाउंड, मैंने पाया कि जो मेरे दो स्पेयर, जो एक्स्ट्रा हैंड पंप्स हैं, हैड बीन रेंज्ड, वो गिर गए हैं ओवरबोर्ड, मतलब जहाज से पानी में गिर गए हैं। और उनके साथ साथ क्या गिर गया है? Along with the फोर स्टे सेल, ये केवल और केवल हैंडपंप ही नहीं गिरे हैं, उनके साथ साथ फोर स्टे सेल, फोर स्टे सेल ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये है फोर स्टे सेल, जिब, ये है जिब, जहाज में ये होती है जिब, जिब भी नीचे गिर गई थी। द डिंगीस, डिंगीस का मतलब छोटे छोटे नाव होते हैं, जो इमरजेंसी में कहीं किनारे पर, अगर हमारी जहाज बीच में ही डूब रही है तो वो हमें किनारे तक पहुंचा देंगे, ऐसी नाव होती हैं। एंड द मेन एंकर, और ये जो मेन एंकर, एंकर का मतलब होता है कोई वजन सी चीज होती है, हमारी जहाज ज्यादा लहरों के साथ डेविएट ना करे, इधर उधर ना करे, इसकी वजह से ये मोटा सा एंकर बांधा जाता है। तो इन सारी चीजों के साथ हमारे जो एक्स्ट्रा हैंड पंप थे वो नीचे गिर चुके थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास तो अभी दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। वो कहां पर है? चार्ट रूम फ्लोर में है। चार्ट रूम मतलब एक ऐसा रूम जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स, जहाज के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, ये सब रखे जाते हैं, उसको हम चार्ट रूम फ्लोर कहते हैं, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ है, ऑथर को तुरंत याद आता है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, मैंने तुरंत उसको एक बाहर जाने वाली पाइप से कनेक्ट कर दिया और बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर कि ये इलेक्ट्रिक पंप अब भी काम कर रहा था। आगे देखिए क्या होता है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग
staring and working the radio. The night dragged on. ये पूरी रात और खिंची चली जा रही थी with an endless, और ऐसा लग रहा था कि ये खत्म ही नहीं होने वाली है. Bitterly cold routine, और वही हमारा लगातार वही हम कर रहे थे, वही हमारा routine था. क्या क्या कर रहे थे हम उस रात? Pumping, पानी को बाहर निकाल रहे थे, जहाज की steering को संभाल रहे थे, और radio में भी work कर रहे थे कि कहीं कोई तो हो जो हमारी बात सुन ले, ठीक है, और हमारे मदद के लिए आ जाए. We were getting no replies. हमारी कोई भी reply नहीं आ रहा था, हमें वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी. To our mayday calls, हमारे mayday calls का हमें कोई reply नहीं मिल रहा था. Mayday calls क्या होते हैं? Emergency में किए गए calls, ठीक है, जो हम मदद के लिए call करते हैं उसको mayday calls कहते हैं. Which was not surprisingly in this remote corner of the world. Author कहता है कि हमारे mayday calls का हमें कोई reply नहीं मिल रहा था, और ये ज़्यादा आश्चर्य करने वाली भी बात नहीं थी, क्योंकि हम दुनिया के एक ऐसे दुर्लभ किनारे पर हैं जहां पर सिग्नल मिलना नामुमकिन है. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है. सियूज हैड स्वेलन अलार्मिंगली. जो ऑथर की बेटी थी सुजैन, उसका सर बहुत ही भयानक तरीके से सूज गया था. सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइस. उसकी जो दो आंखें थी ना, वो बड़ी हो गई थी और काली काली हो गई थी. एंड नाउ सी सोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. और अब सुजैन ने हमें अपनी बाजू, उसकी बाजुओं में लगे जो चोट हल्का सा कट गया था वो दिखा रही थी. ठीक है, वेन आई आस्क्ड व्हाई सी had not made more of her injuries before this. और जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्यों नहीं बताया हमें, made more मतलब हमें क्यों नहीं बताया इस चोट के बारे में इस समय के पहले, तो सी रिप्लाइड, उसका क्या उत्तर आया? आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू. पापा, मैं आपको चिंता नहीं देना चाहती थी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी. वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको चिंता में नहीं डाल सकती थी. चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है. बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, जनवरी 3, 3 जनवरी की सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल. और जो हमारे पम्प्स थे, जो हमारे हैंड पम्प्स थे, उन्होंने पानी के स्तर को काफ़ी हद तक कम कर लिया था, अंडर कंट्रोल कर लिया था हमारे लिए. टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, ताकि हम एक एक करके दो दो घंटे का रेस्ट कर सके. मतलब 2 घंटे का रेस्ट मैं करूं, फिर मैं जगूं, तो 2 घंटे का रेस्ट कोई और करे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक. लेकिन अब भी कहीं हमारे सिप में एक बहुत बड़ा सा लीकेज था, समवेयर बिलो द वाटर लाइन. और वो लीकेज कहां था? बिलो द वाटर लाइन. अब ये हमारी, फॉर एग्जाम्पल, ये जहाज हो गई, ये जहाज. और जहाज क्या होता है? ये समुद्र है, तो कुछ हद तक कुछ हिस्सा जहाज का समुद्र के नीचे डूबा होता है ना. तो ये जो लाइन होती है, जहां से निचला हिस्सा डूबा होता है, इसी को वाटर लाइन कहते हैं. तो ऑथर कह रहा है कि कहीं वाटर लाइन के नीचे कुछ लीकेज थी. ठीक है, एंड ऑन चेकिंग, और जब मैंने चेक किया, आई फाउंड, मैंने पाया कि दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ्रेम्स वर स्मैश्ड. मैंने पाया कि लगभग जो नाव की, हमारे बोट का जो मेन रिफ्रेम था, मेन रिफ्रेम ऐसा होता है, ये देख रहे हो ना आप, बड़ी सी जहाज का जो निचला वाला फ्रेम होता है, हिस्सा होता है, उसको मेन रिफ्रेम कहते हैं. वो स्मैश्ड हो चुका था, टूट चुका था, डाउन टू द नील. और कहां पर जाके पहुंचा था, और कहां तक टूट चुका था वो? नील. नील का मतलब एक स्टील का हिस्सा होता है, ये होता है नील. मैं आपको फिगर दिखा देता हूं. यहां तक जो मेन रिफ्रेम था वो टूट चुका था. इनफैक्ट, और सच्चाई तो ये थी कि देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप. कुछ भी ऐसा नहीं था कि इस फ्रेम को वो होल्ड करके रख सकता, पकड़ के रख सकता. A whole section of the starboard, except a few cupboard partition. मतलब सच्चाई तो ये थी कि nothing holding up a whole section. कुछ भी ऐसा नहीं था जो right side का जो frame था, जो टूटा हुआ था, उसको पकड़ के रख सके. केवल केवल एक चीज थी जो पकड़ के रख सकती थी, वो क्या थी?
कबर्ड पार्टीशन जिसने अब तक पकड़ा हुआ था। कबर्ड पार्टीशन मतलब आलमारी का जो ये ऊपर वाला फ्रेम देख रहे हो ना, ऐसा ही कुछ फ्रेम राइट साइड में लगा हुआ था, जिसकी वजह से अब तक राइट साइड का हिस्सा जुड़ा हुआ था लेफ्ट वाले से। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। हमने 15 घंटों तक हम सर्वाइव कर चुके थे, मतलब जब पहली बार वो बड़ी सी लहर हमारे नाव से, हमारे जहाज से टकराई थी, उस टकराने से अब 15 घंटे हो गए हैं और हम अब भी जीवित हैं और नाव चल रही है। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ। लेकिन ये जो हमारी नाव है वेव वॉकर, हमें ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकती फॉर अस, इतना इतना ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। मतलब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने लायक नहीं था। Checked our charts, मैंने तुरंत अपने charts check किए and calculated, और ये calculate किया that there were 2 small islands. मैंने ये calculate किया कि 2 छोटे-छोटे द्वीप हैं, 2 छोटे-छोटे island हैं। Island का मतलब एक जमीन का हिस्सा और अगल-बगल सब sea, ठीक है? 2 छोटे-छोटे island हैं यहाँ से कुछ 100-200 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी दिशा में। ऑथर ने जब देखा कि उसकी जहाज अब ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकती, उसने तुरंत अपना चार्ट निकाला और कैलकुलेट किया। यहां से उसको दिखाई दिया कि 2 छोटे-छोटे स्मॉल आइलैंड्स हैं जो यहां से 100-200 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां पर वो पहुंच सकते हैं। आगे देखो क्या होता है। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, और उन 2 आइलैंड्स में से एक आइलैंड का नाम था आइल एम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और ये जो आइलैंड था ना वो फ्रांस का था, और वहां पर फ्रांस क्या करता था, साइंटिफिक रिसर्च करता था, उसके लैब्स थे, ठीक है। आवर वनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स, और हमारी केवल एकमात्र आशा यही था कि हम इन छोटे से पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, मतलब बड़ा सा समुद्र है और सुई से जो छेद होती है केवल उतना बड़ा सा वो आइलैंड है, यहां पर हम पहुंच सके। बट अनलेस द विंड एंड सीस अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल। लेकिन इसके लिए उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें ये चाहिए था कि जो तूफान है और समुद्र है वो दोनों शांत हो जाएं, अबेटेड हो जाएं, ताकि वो क्या कर सके, सेल जो कपड़ा होता है जहाज में लगाया जाता है जिसकी मदद से जहाज आगे बढ़ता है, ताकि वो उसे फहरा सके और उनकी जहाज तेजी से आगे बढ़ सके। लेकिन ये सब कब हो सकता था, जब हवा और समुद्र की लहरें शांत होती थी। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जो चांस है बचने का वो बहुत कम है, वो बहुत स्लिम है। द ग्रेट वेव had put our auxiliary engine out of action. उस बड़े से लहर ने जो हमारी जहाज से टकराई थी, उसने हमारी जो सेकेंडरी इंजन थी, जो इमरजेंसी इंजन थी, उसको भी खराब कर दिया था, वो भी अब काम नहीं कर रहा था। On January 4, 4 जनवरी के दिन, after 36 hours of continuous pumping, हम लगातार 36 घंटों से पानी बाहर निकाल रहे थे जहाज से, we reached the last few centimeters of वाटर, और अब इतना पानी बाहर निकल चुका था कि केवल कुछ सेंटीमीटर पानी जहाज में रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और हमें अब क्या करना है, ओनली टू कीप पेस, केवल हमें उतना ही पानी निकालना है बाहर, वाटर स्टिल कमिंग इन, जो पानी अब भी थोड़ा थोड़ा जहाज के अंदर आ रहा था केवल हमें उतना ही पानी निकालना है, अब उतना ज्यादा पानी नहीं निकालना जितना हमें पहले निकालना पड़ रहा था। आगे देखिए क्या होता है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम कोई कपड़ा, सेल का मतलब वो कपड़ा मैंने बताया ना जिससे जहाज आगे बढ़ती है रफ्तार से, वो कपड़ा हम मेन मास्ट जो मेन पिलर
लैंडर होता है बीचों बीच जहाज के, उस पर हम नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि प्रेशर ऑन द रिगिंग, क्योंकि रस्सियों पे जो प्रेशर पड़ता, इससे अब बहुत तेज हवा चल रही थी तो कपड़ा तो फहराता ही और उससे रस्सियों पर जोर भी पड़ता, इससे क्या हो जाता, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। जो हमारा राइट साइड का जो सेक्शन था जहाज का वो टूट चुका था, और अगर हम सेल कपड़ा लगा देते मेन पिलर में तो हो सकता था कि ये अपार्ट हो जाए, क्या हो जाए, अलग हो जाए। हल का मतलब क्या होता है, फ्रेम। तो वही कहा जा रहा है कि जो डैमेज्ड सेक्शन था हमारे नाव के फ्रेम का वो अपार्ट हो जाता, वो टूट जाता। वी हॉइस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिब, और इसीलिए हमने जो जिब थी, स्ट्रॉन्ग जिब, जिब मैंने मतलब बताया था ना, ये है जिब, ठीक है, ये जो तूफान से बचने के लिए जो जिब लगाई जाती है इसको हमने फहरा दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड्स वर, और हम उस तरफ चल पड़े जहां मैंने सोचा था कि वो दो आइसलैंड्स वहीं पर होंगे। पूर्व दिशा में हम लोग आगे बढ़ चले। मैरी, मेरी पत्नी ने सम कॉर्न्ड बीफ, मतलब वो जहाज में से कुछ कॉर्न्ड बीफ बचा हुआ था। बीफ का मतलब गौ मांस होता है, कॉर्न्ड बीफ का मतलब आप ऐसे कह सकते हो नमकीन, नमकीन गौ मांस था, और बिस्किट्स था, क्रैकर बिस्किट्स था। And we ate our first meal in almost 2 days. और इस तरीके से गौ मांस और बिस्किट के रूप में हमने अपना पहला मील, पहला भोजन लगभग 2 दिनों में किया। तो आई थिंक ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है यार। और तीसरा पार्ट जो आखिरी पार्ट होता है जिसमें इस स्टोरी का क्लाइमैक्स है, देखना नहीं भूलिएगा। तीसरा पार्ट जल्द लेके आएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।